सबको भूख प्यास लगी थी, वो क्यों प्यासे थे? मेरे बाजार से दही मंडा चुरा खरीद लिया, उनको खिला दिया, उपयुक्त हो गए, हमें बड़ी शांति मिली। इससे खरा सा गौरव क्या हो सकता है? इसे खरा सा गौरव होता तो पिताजी बड़े खुश हुए। कल ना अपने भाई का बेटा ठीक किया, तुझे अच्छा लगता गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिल्कुल भी नहीं पाया हो या फिर गुरु गुरु दित ही रहो चरण लो लाली हो ध्यान अभ्यास करो सब सभी चातक दृष्टि बनाई। गुरु की भक्ति करने साधु की सेवा करो, गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करिए, एक आशा से बैठ करके गुरु भक्त का जप कर लिए, सदगुरु को हृदय में बैठाइए। सदगुरु सदगुरु रूप निपुकार चीजे के पाप सगुण है, सदगुरु रूप दिए हुए भारत पाप पूर्ण बंदोक है, सदगुरु का रूप धारण कर लिया। अधिक देर तक बैठिए आसत नहीं है, ऐसा साल गुरु की बड़ी कृपा है। क्योंकि बिना कृपा प्राप्ति दर्द कैसे घुसेंगे, परमात्मा तो कैसे जाएंगे, ईश्वर तो कैसे जाएगा, गली बंद है रास्ता बंद। सत्य दुखी बताता है, अंदर घुस जाओगे कैसे घुसोगे? इस संसार नाम रूपात्मक है, इस संसार का नाम है रूप। एक नाव का सहारा लीजिए, सदगुरु से दीक्षा लेकर के मन का जाप करो। उनके रूप का ध्यान करिए, इसे बहुत पवित्र हो जाएगा और अपनी चीजों का भी लायक होगा। दृष्टि योग करने लायक हो जाएंगे तो रास्ता जो है बड़ा सतरा है, हमारा दर्द बहुत होता है। जब ध्यान करते करते ध्यान करते करते हो गए तो नरक साधना तो थक होती थी, बाल होती थी, इतनी बालक जाता के समान है, तलवार के धार के समान है, सक्रिय शरण हृदय करवा सुसरी भय कर धारणा। सक्रिय कुछ छोटी छोटी होती है, धारा के बिक्री की सभी दौड़ती है। आप सब कुछ भी होते हो बहुत भारी कहते हैं, धारा की बिक्री की सब नहीं चल पाती है, पेट फट जाता है। योगी लोग जो योगी लोग विपरीत है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं योगी भगवान बोला हे अर्जुन योगी बनो, हर काम करते हुए भगवान कहते हर काम करते हुए भजन करो, हमारा स्मरण करो। महाभारत का युद्ध है, महाभारत के युद्ध में और वो ब्राह्मण की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में डटा हुआ, कौन शत्रु के बाद लगे हुए छाती में और बाढ़ पर हो जाएगा। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में भी अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहा है, एक बार में आठ प्रश्न किया है, एक बार में एक प्रश्न करता है, बार में एक बार में आठ प्रश्न करता है। गीता का अर्थ बात सुनी मैं अर्जुन का साथी करो तुम पर प्रहार करो किम कर रहा हूं सब कर रहा हूं अभी भूतम चतुर्भुक्त
अधिदैवम विमुच्यते अधि अध्यात्मकत्वं देहेषु परिशुद्धं प्रयाण काले चित्तं देयो इति उक्तमस्ति। तत्र ब्रह्मकार है बताना, ईश्वर क्या है बताना, अध्यात्म क्या है बताना, कर्म क्या है बताना, अकर्म क्या है बता दीजिए, विकर्म क्या है बता दें, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, एक सवाल सवाल तो घड़ी बनाएगा परेशानी रहा है। हम अभी तुम्हारे आर्थिक सवाल का उत्तर दे रहे हैं, वो आदमी आर्थिक सवाल का उत्तर देखिए, ऐसे ही विकट परिस्थिति में भी हमें भगवान से अध्यात्मिक सवाल करना पड़ता है। अधिभूता से जाना भले बदले प्रथम स्थाप दे चुका हे गोविंद, दोनों से राव के बीच में हमारा बात नहीं चले ताकि हम देखे किन किन वीरों के साथ युद्ध करना है। क्या देखा इसी किताब में आचार्य गुरुदेव है, कृपाचार्य है, बंधु बांधव सब है, अरे राज्य के लिए बंधन में तुम आ गए, अभी इसके दो हो जाता है और आप कांपने लगता है, आप पुलिस वाला भाषण से गुजर जाता है। एक सौ अब्दुल गुरु करेंगे क्या बोलते हो, अब्दुल गुरु करेंगे बोलते गुरु भक्त महानुभाव क्या आप यही शिक्षा देते हैं, गुरु को बात करो आप धर्म के हेतु अवतार नहीं है, क्या राज्य के लिए अपने गुरु को मार दो, अपने दादा को मार दो, अपने बंधु बांधो को मार दो, नहीं प्रभु अपनी क्षमा करके गुरु निकाल लेंगे। भगवान ने बहुत कहा, भगवान ने कहा कि छत्री होकर के कायर की बात करता है, देखो अर्जुन ये धर्म युद्ध है, क्या है धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध करना चाहिए, अगर धर्म युद्ध से विमुख हो जाएगा तो अत्याचारी है पापी है पुण्य हो जाएगा, इसलिए तू युद्ध से विमुख नहीं हो। और भगवान ने शिक्षा दिया, उपदेश दिया कि भगवान की बात में नहीं मानने के लिए तैयार हुआ तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान ने अपना असल रूप दिखाया, देखो सब मरे हुए सबको मैंने पहले मार लिया है, तू निमित बन जा। गीता के गायबे अध्याय में भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, विश्व रूप का दर्शन, जब विराट रूप का भगवान दर्शन कराया अर्जुन ने देखा कि पूरा पर्वताकार हो गया भगवान, जहां तक देखते भगवान ही नहीं, टोपी नीचे गिर गया, जो भगवान को विराट रूप देखा ना तो हाथ जोड़ लिया, क्या बोलता है पश्चात देवास्तव देव देने सर्वा सखा भूत विशेष सत्ता, क्या बोलता है पश्चात देवास्तव देव देने श्यामी को देखता देवास तब तब तुम्हारा देह बड़े शरीर में श्याम देवास तब दो देह एक प्रभु आपके शरीर में जो देवताओं का समूह को देखता हूं और
दान खिंदन के समुदाय को देता हूं। अब मैं डर गया हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता हूं, मैं डर गया हूं। आप अपने रूप में आ जाओ, भगवान का अपने रूप में आ जाओ। भगवान से विराट रूप देखा ना, और उसको विश्वास हो गया कि मेरे भगवान है और उनकी बात हमें मानना। अर्जुन ने अपने रूप पर भगवान कृष्ण को बैठाया, भगवान के अवतार भगवान राम के अवतार थे कृष्ण, और राम भगवान कृष्ण के अवतार थे। लेकिन क्या अर्जुन भगवान कृष्ण के चरण में चला गया, युद्ध में तो जीत गया, लेकिन दुख का आदास हुआ, दुख का आदास नहीं हुआ, हुआ मोक्ष मिल गए, युद्ध में विजय हो गया, लेकिन पूर्ण कल्याण नहीं हुआ। भगवान राम के समय में हनुमान जी महाराज चले गए, विभीषण जी चले गए, कल्याण हो गया नहीं हुआ। राजा दशरथ तो राम के ही भक्त थे, यहां तक कि राजा दशरथ ने जब भगवान राम का वनवास हो गया तो शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग कर इतना दुख हुआ। आज भगवान राम बंद चले गए, कुछ राम लिखते हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तब परिहर रघुवर विरह राम गए सुभा। देखिए राजा दशरथ राम जी के वियोग में शरीर त्याग गए, कहां गए सुधाम हरिश्वर ग्रह ब्रह्मलोक में गए, अपवर्ग में नहीं गए, भगवान कृष्ण के लिए साथी को उद्धव गए, सब बैकुंठ गए। लेकिन माता सबरी सब सदगुरु के सब के लिए और कहां गई, कहीं कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धर योग पावक देह हरि पद दीन भई जह रहि हृदय दर विविध चर्म धर्म बहुमत शोक पद सब त्याग हो विश्वास कर कहे दास पूजी और आप पद पर सभी उस पद में लिए हो गई, अपवर्ग जन्म मृत्यु के पड़े चले गए, जहां से जीव का पूरा संसार कहा जा रही होता, तो आप भी सत्य के शरण में जाए, गुरु के शरण में जाए, तब कितना हो देवी देवता के शरण में जाएंगे, कितना पूजा करेंगे, भट गए हमारी माता पहले का तो मत कहिए, तब तक तो बैठिए श्री सदगुरु महाराज की जय, कीर्तन करिए जरा सर, जय जय राम जय जय राम जय जय राम का जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम का जय जय राम जय जय राम ओ राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम प्रभु जय जय राम जय जय राम जय जय राम प्रभु जय जय राम जय जय राम ओ राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम देह दिलाली जय जय राम
श्री सदगुरु महाराज की जय। अब पाता पहले तो संभालू होती है, क्या करती है, शिवलिंग को जल चढ़ाती है, हमारे भाई को भी चढ़ाती है। भगवान कृष्ण की वाणी है, भूतों को पूछने वाला भूतों को प्राप्त होता है, पत्थर को पूछने वाला पत्थर में बनेगा, और गाछ की पूजा करने वाले गाछे में बनेगा, और भूत वैकाल को पूछने वाला भूतों के पास जाता है, पितरों को पूछने वाला पितरों के पास जाता है, और मुझको भजने वाला उसको मतलब ईश्वर परमात्मा, परमात्मा को भजने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। याद रखिए, पत्थर की पूजा करिएगा पत्थर बनिएगा, गाछ की पूजा करिएगा गाछ बनिएगा, भूत वैताल की पूजा करिएगा भूत वैताल बनिएगा, पितरों की पूजा करिएगा पितर बनिए। कल्याण नहीं होगा, कल्याण कब होगा, जब सब सदगुरु के शरण में चले जाएगा, सब सदगुरु के शरण में तब आपका क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म का समझा, गृहस्थ धर्म क्या है, हमारे ऋषि मुनि जितने भी सब गृहस्थ में हुए, गृहस्थ का धर्म क्या है, घर में रहिए परिवार में रहिए, सब सदगुरु से दीक्षा लीजिए, बाल बच्चा को भी दीक्षा दिलवाइए, किसी किसी घर में माँ बाप सत्संगी तो है, बहू बेटा नहीं है, बस खाता है अंडा खा रहा है, आप ही तक सत्संग रहेगा आपके बात खत्म हो जाएगा, सेवा नहीं करता है, सेवा नहीं करता, गृहस्थ का धर्म है माता पिता की सेवा करिए, पति की सेवा करिए, बाकी भर धर्म का पालन कीजिए, दान भी करिए, गृहस्थ का धर्म है दान भी करिए। राजा श्वेत की कथा सुन रहे, राजा श्वेत बहुत बड़ा राजा, सबसे बात आते थे तो कुछ खिलाता पिलाता नहीं था, दान नहीं करता था, बड़ा नास्तिक था, दान नहीं किया, दान नहीं किया तो क्या हुआ, प्रेत का शरीर मिल गया, कुछ भी मत सब बदल जाएगा, राशि काल का थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बोलता कुछ नहीं सकता, दान नहीं किया शरीर मतलब उसका शरीर जो था छूटा, राजा का शरीर छूटा, तो उसके शरीर को ले लिया सरोवर में डाला, तड़प रहा कहबा से जीव आई कहबा सब आई हो विदुर से हंस आई सदगुर से आई, जीवात्मा भटकती है कर्म के अनुसार, प्रेत का शरण मिल गया, तड़प रहा था उनके प्यास का, अगस्त मुनि थे महाराज ने भूख क्या सता रही ताकि कौर होती, कहा मैं राजा श्वेत हूं, बोला राजा श्वेत तुम्हारी दशा, बोला हाँ आपको भूख लगी है, कहा कि तुमको खाने के लिए कुछ नहीं है, तुमने किसी को कुछ दिया नहीं है, तुमने किसी को कुछ दिया नहीं है, दान धर्म नहीं किया है, इसने तो ऊपर लाश खा अपना मुर्दा ही खाता था लाश, और जब कहते फिर हो जाता,
हमारे वृद्धावास कब तक खाएंगे, कृपा करो आप सब तो हो, कृपा हुई उनकी, तो चलो कुछ वर्ष के बाद दोबारा दूरी छूट जाए। तो कहने का मतलब है गृहस्थ का धर्म है दान भी करो। गीता में आया यज्ञ दान और तप मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। दान करने से धन की शुद्धि होगी, भजन करने से मन की शुद्धि होगी, दुआ लेकिन दान करने से केवल दान करने से मोक्ष नहीं होगा। बहुत दान की तो राजा घर के जन्म ले लो, किसी राजा के हाथी बन जाओ, हाथी तो देखते हैं गले में चांदी का घंटी बांध देता है, सोना का घंटी बांध देता है, तुम भी झूलो दूसरे में मोक्ष मिले तो भजन कर रहे। दान करना अच्छी बात है, गृहस्थ में दान भी करो अभी तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन सदगुरु से दीक्षा ले करके भक्ति में भी चलो, सुंडा बन जाता है, सुंडा अन्न दान करोगे सुंडा बन जाता है, वस्त्र दान करोगे तो चिलर बन जाता है, चिलर कपड़ा में चिलर भी हो जाता है, लेकिन भजन करोगे तो सत्संग करोगे तो कल्याण हो जाएगा। बहुत बात है समय कितना होगा करें।